हेलो एवरीवन, दिस इज मी जावेद खान और आज हम करने वाले हैं मूवी का कहां के सब लोग इधर आओ। तो आज आया है खेसारी लाल यादव का मूवी का ट्रेलर राजा राम का। तो अब देखने वाले हैं और देते रिएक्शन। कौन छुप रहा है मेरे पीछे? अच्छा, इस बंदे का भी इंस्टाग्राम है, मैं आईडी मेंशन कर दूंगा, जाके फॉलो कर सकते हैं इनका भी दोनों का। और हम टॉपिक से भटक रहे हैं। आज हम करने वाले रिएक्शन राजा राम का कैसा है, मजा आएगा या नहीं आएगा वो देख के मालूम पड़ेगा। शुरू करें? चलो चलो करते हैं। चलो उधर नहीं, इधर इधर इधर। चलो चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड हियर वी गो। हाँ अच्छा, 4K में देखे जरा, 4K ही है वो। अरे एक सेकेंड, नोटिस क्या कुछ? हम बैक करेंगे। ये तीर मारा, तीर लगा और नीचे गिरा और खून यहाँ पे जमा हुआ है। ये लगा भी नहीं है अभी, तीर लगा भी नहीं है अभी, तो खून पहले निकल रहा है। हम फिर से देखेंगे। तीर नीचे गया है, बंदा ऊपर गया है। बंदा तीर नीचे गया, बंदा पर गया। नाइस। मैं तो उनका सिर्फ एक चरित्र करता। अच्छा, आर्टिस्ट है। मेरा नाम राजा। एक एक्टर की कहानी। अति सुंदर। मेरा पति शेर है, शेर। वो भाई ये क्या था? मेरा पति शेर है, शेर। भाई ये बहुत गंदा जो भी एडिटर है ना इसका, मैं बता रहा हूँ भाई, तू छोड़ दे एडिटिंग करना भाई। ऐसा कट कौन डालता है, इतना गंदा वाला कट। आगे देखते हैं। जगह भी उसी की चुनी है। अच्छा, हमारे बच्चे के बचा लीजिए भगवान जी। अभी नाम के इमेज से सर हम लोग शंकर के इमेज में आए। ये ना कोई हीरो है ना कोई सुपरस्टार, आप लोगों ने टीवी पे देखा नहीं, ये सर्वेंट बन के आया है, हमारे सर्वेंट हो सर्वेंट। कॉमेडी तो एक्सपेक्ट था, कॉमेडी तो होता ही इनके मूवी में। अच्छा इनको तुमने देखा कभी भी? इनको कहीं देखा है? किसमें? वो विकराल घबराल में आते हैं। विकराल घबराल बॉलीवुड से देखा, लोगों की तरक्की होती है, डायरेक्ट भोजपुरी में आ गई है तो अच्छा खासा वो सीरियल था भाई। टीवी तो ठीक है, एक तो गुलाब भी नकली और ऊपर से जो गमला है यानी चाय का कप, या इतना अच्छा खासा बजट दिख रहा है मूवी के अंदर। जो भी बजट है सब हीरो ने में लगाया क्या, वो सेट डिजाइन करने में? इधर भी थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिगरेट ही तो पिया था। ओके, इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको क्या है। This one is good. राजा राम तो सिर्फ बुराइयां नहीं है, अच्छाइयां भी है। अच्छाई से ऐसी है कि तुम्हारा कुछ कहना ट्रेलर को लेकर? झाड़ एकदम, कुछ काम नहीं किया है, गानों में काम किया है और कुछ काम नहीं किया है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शूट के लोकेशन से ही किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया है। ये मैंने नहीं बोला। ये पोस्टर डिजाइनर है तो उसको पता है कि कैसे पोस्टर बनाए जाते हैं, तो ही नो वेरी वेल। पहली बात, एडिटिंग बहुत गंदी है। दूसरी बात कि जो स्टोरी है ना, ये राजा और राम की जो कहानी है
ये काइंड ऑफ हम पहले जब टीजर आया था तो आई वाज थॉट कि डबल रोल हो सकता है, दो लोगों की कहानी हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक कुछ ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक एक्टर की कहानी है जो कैसे एक किरदार प्ले करता है अपना राजा का, राम का, उसके बाद जो उनकी रियल लाइफ है, राजा की लाइफ जो एक्टर है जो, उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। एंड सेकेंड थिंग कि ह्यूमर, सर इनकी फिल्मों में ह्यूमर होता है, कॉमेडी होती है, इसके अंदर कितना होगा वो मैं ज्यादा बता नहीं सकता। इस मूवी के जो सॉन्ग है उसमें बजट बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, पर मूवी के अंदर बजट बहुत कम लगाया हुआ है। उनको लगता है कि सॉन्ग चल जाएगा तो मूवी भी चल जाएगी, ऐसा हर समय काम नहीं होता है, काफी कम जगह पर ऐसा काम होता है। पर खेसारी लाल यादव है, इनके काफी लाखों में फैंस हैं, तो खराब से खराब मूवी भी चल जाती है। अब इस मूवी से उम्मीद इतनी है किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट ना करे, एक ह्यूमरिस्टिक फिल्म हो। आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो कमेंट में डालें कि आप क्या चाहते हैं इस मूवी से, किस तरीके की मूवी जाएगी है। मेरे हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जब आप कहोगे तो। हाँ, अगर जो आपने सबसे पहले ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके इसका रियल ट्रेलर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ताकि ये लोग साले मेरे पे स्ट्राइक ना मारे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हस्ता ला विस्ता।